बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और खूब मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज आप देखें वेदर, माशाल्लाह ब्यूटीफुल वेदर, बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत वेदर है। तो मैंने कहा आपके साथ मैं ये ज़रूर शेयर करूँ। और मैं आज आपके साथ अपनी मॉर्निंग टू इवनिंग जो है संडे रूटीन शेयर कर रही हूँ। अच्छा, सुबह उठने के बाद मैंने लिया छोटा सा पीस क्यूकम्बर, मैं लेती हूँ डेली, ठीक है, क्यूकम्बर लेके उसको पील आउट करके इसके बाद मैं क्या करती हूँ, उसका जूस निकाल लेती हूँ। जूस निकाल के अपनी जो है ना ब्लैक सर्कल, उस पर मैं इसको लगाती हूँ। जितने भी ब्लैक सर्कल होते हैं ना, सारे रिमूव हो जाते हैं अपने फेस पे। इसको मैं कॉटन की हेल्प से अप्लाई करती हूँ, ठीक है, हल्का सा लगाती हूँ, उसके बाद फिर फेस वॉश करती हूँ। अच्छा, जिसके बाद मैं बनाती हूँ चाय, ठीक है, चाय ज़रूरी है, ठीक है, आई लव टी। तो इसके बाद मैंने चाय बनाई और मैंने कहा चाय की भी आपके साथ थोड़ी सी वीडियो शेयर कर दूँ। चाय बनाई और ये चाय का कलर देखें, जब आपकी भी चाय का ये वाला कलर आ जाए तो आप चाय चूल्हे से उतार दें। ये परफेक्ट चाय का कलर जो है ना ये, और चाय बहुत ही मज़े की बनी थी। तो यकीनन आपके मुंह में देखकर पानी आ रहा होगा। तो ये देखिए, हाँ, मेरी चाय रेडी हो चुकी थी। मैंने कहा चाय आपके साथ चाय की वीडियो भी शेयर करूँ। इसके बाद मैंने कहा अपने रूम में आई, रूम का मैंने कहा थोड़ा सा इसको सुधारा जाए, ठीक किया जाए। मैंने अपनी बेडशीट वगैरह ठीक की, अपनी रूम की थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह की, रूम को साफ़ किया और अभी सेट हो गया था रूम। और अगेन मैं बाहर आई और मैंने अपने रूम का जब डोर ओपन किया तो माशाल्लाह बादल थे। देखें आसमान कितना खूबसूरत लग रहा है, बादल बहुत प्यारे आए हुए थे। और ये देखें ज़रा, माशाल्लाह इतने मज़े का मौसम हुआ है। और इसके बाद मैं किचन में गई, मैंने थोड़े से कबाब बनाए थे, थोड़ा सा मैंने मिक्सचर बनाया और फिर कबाब की शेप देख के मैंने कबाब बनाए, ठीक है। और ये देखें ज़रा, ये बहुत मज़े के बनते हैं। इसके आपके मैं आपके साथ इसकी रेसिपी बहुत जल्द जो है शेयर करूँगी। अच्छा जी, कबाब बनाए जल्दी जल्दी से, कबाब फ्राई किए, फिर आटा गूंदा, रोटी बनाई और सालन भी बना हुआ था, लेकिन कबाब वैसे मैंने बनाए थे साथ, ठीक है। तो ये देखें ज़रा, और आप बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में, ज़रूर बताएं कि आप कौन से शहर से मेरा व्लॉग देख रहे हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें, शेयर करें और प्यारा सा कमेंट करें, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने रोटी बना दी थी, रोटी बना के इसके बाद मैंने कहा इसके बाद रुमाल में रखती हूँ। और खाने के बाद मेरी जो रूटीन है वो मैं आपको इस साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि ये जो वाइटामिन सी है, वह अगर किसी में वाइटामिन सी की कमी है तो वो ज़रूर ये जो है ना ये लिए टैप, ठीक है, ये आप लेना शुरू करें। या आप मेरी वीडियो पर मौजूद है, मेरे चैनल पर इसकी वीडियो भी मौजूद है, वो भी आप ज़रूर देखें, ठीक है। फिर मैं डेली ये लेती हूँ खाने की थोड़ी देर बाद, और ये मैंने ली। और इसके बाद फिर जो है मैंने कहा क्यों ना बाइट जाया जाए, फिर हम थोड़ी देर इस्लामाबाद की तरफ हम चले गए। मैं अब आपको लेके जा रही हूँ I8 मरकज़ इस्लामाबाद। तो अब हम इस्लामाबाद में जा रहे हैं, और इस्लामाबाद क्योंकि मौसम बहुत प्यारा था, हमने कहा क्यों ना बाहर जाया जाए। अब मैं I8 मरकज़ की तरफ जा रही हूँ, चले जब चलते हैं हम I8 मरकज़। अच्छा जी, अब हम ये जा रहे हैं इस्लामाबाद I8 मरकज़। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको जहाँ लेके जा रही हूँ, मैं आपको लेके जा रही हूँ खाबाग की सब्ज़ी, ठीक है। वो I8 में बहुत फेमस है, काफ़ी जगह, वैसे इस्लामाबाद में जो है ना काफ़ी जगह इनकी इनकी जो है ना ब्रांच है, लेकिन यहाँ पे जो I8 में मैं गई थी, मैंने कहा आपके साथ मैं वीडियो में शेयर करूँ। आपसे फुल वीडियो ज़रूर देखनी है, वीडियो स्किप बिल्कुल भी नहीं करनी। अच्छा जी, वहाँ पहुँच चुके हैं खाबाग की सब्ज़ी, इधर हम आ गए। और इनका इतना अच्छा सेटअप बना है, बहुत अच्छा बना हुआ है, मेरा पर्सनली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मुझे बहुत पसंद आई। मैंने कहा आपके साथ थोड़ा सा इसका मैं रिव्यू भी दे दूँ। वो लोग जो इस्लामाबाद में रहते हैं या रावलपिंडी में रहते हैं, वो ज़रूर यहाँ पर जाएं। I8 में इन्होंने ये न्यू ओपनिंग की हुई है, अब इनकी न्यू ओपन हुई है और बहुत अच्छी बनी हुई है। इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और इनका सेटअप बहुत अच्छा बना हुआ। आउटडोर भी था लेकिन हम ज़रा अंदर बैठे थे, तो क्योंकि आउटडोर ज़रा बॉयज़ बैठे हुए तो उधर हम लोग नहीं बैठे। अच्छा, इसका मैंने जो है ना आपके साथ मेन्यू भी इसके शेयर किया थोड़ी सी, वो भी आप देख लें। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट लेके इसको आप देख सकते हैं इजीली, ठीक है। तो आप ज़रूर चाहें आपके, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं काइंडली कि आप कौन से शहर से मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं, और मेरे व्लॉग को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है, ताकि मैं आपके साथ और अच्छे अच्छे से व्लॉग्स शेयर कर सकूँ, देखें डेली रूटीन शेयर कर सकूँ और अच्छे अच्छे से व्लॉग शेयर कर सकूँ, और मेरे चैनल भी विज़िट ज़रूर करें। अच्छा, ये इनके ना राइस मिलते हैं कनाली में, राइस होते हैं, साथ चिकन पीस है, वो आपकी अपनी चॉइस, आप जो मर्ज़ी ले लें, चाहे आप अचार फ्लेवर में ले लें, टिक्का फ्लेवर में ले लें, चाहे आप जो है ना ये मलाई बोटी में ले लें, साथ कबाब, कबाब इनके कबाब का टेस्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आपको जो पसंद है मेन्यू में से आप ऑर्डर कर लीजिएगा, मुझे ये पसंद था मैंने ये मंगवाया। मैं आपको दोबारा अगेन इसका जो है ना सेटअप दिखा रही हूँ। जिसके बाद I8 मरकज़ हम थोड़ा सा घूमे, इसके बाद हमने टिक्के लिए और जो है बहुत हमने इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह।
और फिर खाना और उसके बाद चाय ना हो, ये तो हो नहीं सकता। इसके बाद हम साथ ही कोयटा की चाय है, कोयटा चाय पे गए, और इनकी कोयटा की चाय की क्या ही बात है, ठीक है, बहुत अच्छी है इनकी चाय, बहुत पसंद है मुझे। इसके बाद हमने सोरसी स्वीट में लिए डोनट लिए, और ये डोनट बहुत मज़े के थे, ये लिए। वे पास ही बेकरी थी। आप जो वो लोग जो इस्लामाबाद में रहते हो तो आईएट मरकज जानते ही होंगे, आईएट मरकज में गए होंगे, लेकिन वो लोग जो दूसरे शहर से आते हैं वो भी जब भी इस्लामाबाद आए आईएट मरकज में ज़रूर विज़िट करें। तो ये देखिए फ्लावर माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत मज़े के लग रहे थे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे, अल्लाह ताला की शान माशाल्लाह। और मौसम था माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा मौसम हो चुका था। तो हम अब वापस में आ रही हूँ, ठीक है। आपने फुल वीडियो ज़रूर देखनी है, बस ये व्यू देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत व्यू लग रहा है। और अपनी ज़िंदगी का एक एक दिन बहुत अच्छे तरीके से गुजारने की कोशिश करें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दीजिए। और जो है ना, जब आप किसी को खुश देखें तो माशाल्लाह बोल दिया करें, ठीक है, क्योंकि आपने जब आप किसी को खुश देखते हैं तो हसद ना किया करें, ठीक है। आपने उसकी ज़िंदगी में खुशी का टाइम देखा होता है, उसकी जो है ना गम के तकलीफ़ का टाइम नहीं देखा होता, या वो किस तकलीफ़ से गुजरा और लाने उसको ही खुशी का टाइम दिया, ठीक है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप किसी को खुश देखें तो उसकी खुशी में खुश हों, और जो है ना हसद बिल्कुल भी ना करें, ठीक हो गया। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और प्यारा सा कमेंट करें, और काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। कल फिर इंशाल्लाह आपके साथ बहुत ही अच्छी सी वीडियो के साथ हाजिर होंगी। और अपना तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और जो है ना अगेन कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो आपसे इंशाल्लाह नई वीडियो में आपसे कल मुलाकात होगी, और आप अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।